वाला जब किसी की किस्मत को बदलने वाला होता है, तब इंसान में से ही एक ऐसा शख्स खोजा जाता है जो ऊपर वाले का मसीहा बन के आता है। हर किसी की जिंदगी की कहानी जरूर पलटती है, वक्त जरूर लगता है, मगर आपकी जिंदगी में एक ऐसा मसीहा आएगा जो आपकी कहानी को पलट देगा। बॉलीवुड इंडस्ट्री में तमाम कहानियां आपने सुनी होंगी, मगर इन दिनों असल जिंदगी में एक ऐसी महिला की कहानी हर जगह वायरल हो रही है, जिसकी कहानी सुन के, जिसकी कहानी को पढ़ के हर एक शख्स हैरान भी हो रहा है। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं नेक्स्ट आई न्यूज और मैं हूं आपके साथ नैन्सी। वो महिला कोई और नहीं बल्कि रानू मंडल है। आप सभी जानते हैं कि रानू मंडल की कहानी काफी ज्यादा ही इंस्पायर करने वाली है। वो कहानी आपको तमाम सीख देंगी, मगर इसमें से जो अहम सीख है वो ये है कि अपने हुनर को निखारिए। ना जाने ऊपर वाला कब आपको मौका दे दे, ना जाने ऊपर वाला कब आपकी झोली भर दे, मगर हाँ, अगर आप में हुनर नहीं होगा तो वो ऊपर वाला भी कुछ नहीं कर पाएगा। रानू मंडल की आवाज का दीवाना आज एक हर एक शख्स है। छोटे बच्चों से लेकर तमाम बड़े शख्स भी रानू की आवाज को सुन के हैरान हो रहे हैं। रानू मंडल एक ऐसी महिला जिसे बीते कुछ दिनों से कोई शख्स इस दुनिया में नहीं जानता था, मगर देखिए ना, रातों रात ये मसीहा आया और इस मसीहा ने रानू मंडल की जिंदगी को बदल दिया। ये किसी ने कभी नहीं सोचा था कि लता मंगेशकर, जो स्वरों की कोकिला कही जाती है, उन्हें रानू मंडल टक्कर देंगी। और रानू मंडल एक ऐसी महिला है जो अपना गुजारा किस तरीके से कर रही थी उससे आप वाकिफ हैं, मगर आखिरकार वो मसीहा कौन है, आखिरकार वो शख्स है कौन, वो शख्स क्या करता है, कहां उसे रानू मिली, किस तरीके से रानू मंडल को एक स्टेशन से उठाकर उसने सितारा बनाया, आप देखेंगे हमारी ये खास रिपोर्ट, जहां पर आपको इस शख्स की पूरी कहानी हम बताएंगे कि आखिरकार किस तरीके से इस शख्स ने रानू की जिंदगी को बदला। देखिए ये खास रिपोर्ट। सुहर कोकिला लता मंगेशकर का चर्चित गीत एक प्यार का नगमा है। गाकर सुर्खियों में आई रानू मंडल अब ना सिर्फ सोशल मीडिया स्टार बन चुकी हैं, बल्कि बॉलीवुड में एंट्री भी ले चुकी हैं। पश्चिम बंगाल के रेलवे स्टेशन पर गाकर अपना गुजारा करने वाली रानू ने हाल ही में हिमेश रेशमिया की आने वाली फिल्म हैप्पी एंड हीर के लिए गाना रिकॉर्ड कराया। कल तक रेलवे स्टेशन पर गाना गाने वाली रानू को अब हर कोई जानता है, लेकिन उस शख्स के बारे में कोई नहीं जानता जिन्होंने रानू को इतना पॉपुलर किया है। दरअसल हम बात कर रहे हैं अतेंद्र चक्रवर्ती की, जिन्होंने रानू की आवाज को रिकॉर्ड कर उसे सोशल मीडिया पर शेयर किया था। इसके बाद इससे ही रानू की चर्चाएं होने लगी। बता दें कि अतेंद्र पेशे से एक सोशल वर्कर हैं। इन दिनों रानू मंडल जहां भी जा रही हैं, अतेंद्र उनके साथ नजर आ रहे हैं। रानू के वीडियो वायरल होने के बाद हिमेश रेशमिया ने उनके टैलेंट को पहचाना। उन्होंने रानू को अपनी फिल्म में गाने का मौका दिया। हिमेश ने रानू का एक वीडियो भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया था, जिसमें वह हिमेश के स्टूडियो में सॉन्ग तेरी मेरी कहानी रिकॉर्ड करती नजर आ रही थी। हिमेश के इसी कदम की हर कोई तारीफ कर रहा था। खबरों की माने तो हिमेश ने रानू को हैप्पी एंड हीर में गाने के लिए करीब 6-7 लाख रुपए की फीस दी है, लेकिन रानू ने इन पैसों को लेने से मना कर दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक रानू ने हिमेश को जबरदस्ती पैसे दिए और कहा कि बॉलीवुड को आपने स्टार बनाने से कोई नहीं रोक सकता। हालांकि इन खबरों में कितनी सच्चाई है इसकी कोई जानकारी नहीं है। बता दें कि रानू पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर की रहने वाली हैं। रानू का लालन पालन उनकी आंटी ने किया है। उन्होंने कम उम्र में ही अपनी माँ को खो दिया था। रानू अपनी गुजारा रेलवे स्टेशन और लोकल ट्रेन में गाकर करती हैं। इस दौरान अतिंद ने रानू का राना घाट रेलवे स्टेशन पर गाते हुए एक वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया था। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे मिलेंगे आपको हमारे शोज की सारी लेटेस्ट अपडेट। सो कीप वॉचिंग।